सिटकॉक स्पीक्स में मैं कुछ खाना अबदोशी की इंटरेस्टिंग कहानियां आपको सुनाऊंगा। आप जानते हैं कुछ पसंदीदा चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हमारे देश के हिंदुस्तान के हैं, वो एक्चुअली यहाँ शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी। चाय हिंदुस्तान की नहीं थी, मकई हिंदुस्तान की नहीं थी, केला हिंदुस्तान का नहीं था। वो उनकी कहानियाँ मैं एक एक करके आपको सुनाता हूँ। आज की कहानी है टर्की, जो पक्षी है। अभी अमेरिका में थैंक्सगिविंग के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे सर्व किया जाता है चिकन की जगह। टर्की का असली नाम कई साल पहले क्या था? क्या आप जानते हैं दैट द वर्ड फॉर टर्की, आप चौंकेंगे, उसका नाम है हिंदी। हिंदी क्यों? क्योंकि इट इज़ बिलीव दैट द नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कन्फ्यूजन जो कोलंबस को हुआ जब वो एक्चुअली ही हैड लैंडेड इन अमेरिका। जब अमेरिका उन्हें लैंड किया तो वाइल्ड एरिया था, देयर वाज ओपन ग्रास लैंड वगैरह, उसमें टर्कीज यूज्ड टू रन अबाउट। एंड उनको लगा कि ये टर्कीज, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये टर्की का नाम उसको दे दिया हिंदी। और लेटर यही टर्की वाज ओरिजिनली इंपोर्टेड बाय द टर्किश ट्रेडर्स फ्रॉम अफ्रीका इनटू अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड सो इट गॉट कन्फ्यूज्ड विद इंडिया, क्योंकि वहाँ उधर से आ रहा है, अफ्रीका इंडिया उधर से आ रहा है, तो उसका जो है नाम हिंदी रखा गया। इन फ्रांस आपको ताज्जुब होगा, इट वाज नोन एज द इंडियन चिकन। ये मतलब इंडियन कनेक्शन उसके साथ फिर भी रहा। डच लोगों ने यही टर्की को कैलीकट बोला। अभी इसमें डबल कन्फ्यूजन है। दे वर कन्फ्यूजिंग इट विद द अफ्रीकन टर्की दैट दे वर इम्पोर्टिंग फ्रॉम कोलकाता इन दोज डेज। एंड दे मिस नेम्ड इट कैलीकट, और उसको टर्की को कैलीकट बोला। सबसे मज़ेदार बात, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में टर्की का नाम क्या है? अजी, मुझे भी ताज्जुब हुआ। टर्की का नाम हिंदुस्तान में है पेरू। पेरू, अब ये भी एक डबल मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये मिसकंसेप्शन था कि ये पक्षी जो है पेरू से आया है, विच वॉज द कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ साउथ अमेरिका के। जो कुछ भी आप कहें, पेरू से कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका से ही आया है ये। इसका मतलब है कि जबान जो है उससे हमारे हिस्ट्री, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री कैसे बदलती है, क्या क्या ग्लोबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमको मिलती हैं। तो इसी तरह के मिसकंसेप्शंस जबान की वजह से होते हैं। अ फूड दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड नॉट नेसेसरिली बी फ्रॉम इंडिया। और खानाबदोश जो है वो घूमेगा, और कुछ ऐसी कहानियाँ भी आपको बीच बीच में लाता चला जाएगा। आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो मुझे आप लिखिए, बताइए एक खानाबदोशी कहानी आपकी क्या है किसी खाने की, जैसे कि समोसे की भी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम समोसा। सी यू नेक्स्ट टाइम।